हेलो दोस्तों, तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि आखिर ली किम के पास कैसे पहुंचा था। हम देखते हैं उसे सोले की काफी चिंता हो रही थी, जिसके बाद वो सोले के अपार्टमेंट के बाहर जाता है क्योंकि ना ही वो उसके मैसेज का रिप्लाई कर रही थी और ना ही कॉल। वो अपनी कार से जैसे ही बाहर निकलने वाला था कि तभी वो किम को कहीं जल्दी में जाता हुआ देखता है और उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही वो लोकेशन में पहुंचता है, वो किम और इमो की सारी बातें सुन लेता है, जहाँ किम उसे समझा रहा था कि मैंने उसे नहीं मारा, जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। लेकिन इमो का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, वो चाकू लेकर किम की तरफ बढ़ने लगता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी अचानक से ली बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो इमो को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किम उसे रोक लेता है और इमो को वहां से भागने के लिए कहता है, क्योंकि किम को लग रहा था कि वो उसी की वजह से ऐसा ही बन गया। ली कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें डर है कि कहीं लोगों को पता चल जाएगा कि तुम ही किम सोंगजू हो? जिसे सुनकर किम थोड़ा शॉक होता है। ली कहता है, क्या इस बारे में सोली को भी पता है और उसके बावजूद भी वो तुम्हारे साथ है? किम कहता है, हाँ उसे सब पता है और उसे मुझ पर भरोसा है कि मैंने ऐसा नहीं किया। ली कहता है, मैं चाहता हूँ तुम इस बारे में उसे कुछ मत बताना, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत से दुख देखे हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ तुम उसे खुश रखो और कभी उसे हर्ट न करो। किम कहता है, मैं उसे झूठ नहीं बोल सकता, मैं अपने तरीके से उसे खुश रखूंगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, और वहां से चला जाता है। इस बीच हम इवो को देखते हैं जो कि किम की कई बातें सोच रहा था, और हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें इमजू के बारे में पता चलता है। उसके फादर काफी नशा करते थे और उनके साथ काफी बुरा बिहेव करते थे। वो उसके सेव करे हुए पैसे भी चुरा लेते हैं जो कि उसने कॉलेज जाने के लिए बचाए थे। तभी वहां पर इमो आता है जो कि उसे संभालता है और उसे कहता है कि तुम्हारा ड्रीम किम है, तुम्हें कॉलेज जाने की क्या जरूरत, वो ही तुम्हें इस जगह से बाहर निकाल सकता है। और आज वो इसी बात से पछता रहा था कि उसने अपनी बहन से ये सब क्यों कहा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद उसकी बहन आज उसके साथ होती। जिसके बाद वो अपने गांव के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सायन को देखते हैं जो काफी रो रही थी। तभी उसे किम का कॉल आता है और उससे पूछ रहा था कि तुम ठीक हो। सायन रोते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ और मुझे भी खुशी है कि तुम भी ठीक हो। और उसे कहती है, आज मुझे एहसास हुआ कि भले ही तुम किसी और लड़की के साथ रहो, पर तुम जिंदा रहना और हमेशा खुश रहना। ये सुनकर किम को समझ नहीं आता वो उसे क्या बोले, इसलिए वो गुड बाय बोलकर फोन काट देता है। अगले दिन हम देखते हैं सोली किम से मिलने आई थी। पहले तो उसने मास्क लगा रखा था, लेकिन उसके बार बार पूछने पर वो अपना मास्क हटा देता है। सोली उसकी चोट देखकर हैरान हो जाती है, जिसके बाद किम उसे सब बता देता है कि मैं इमो से मिलने गया था और वहां मुझे ली भी मिला जिसने मेरी मदद करी। ये सुनकर सोली को समझ आता है कि ली क्यों मुझे मैसेज कर रहा था। किम कहता है, तुम्हें इमो की चिंता करने की जरूरत नहीं, अब शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन कैफे जाने के बाद भी वो किम को लेकर काफी परेशान थी कि कहीं इमो फिर से वापस ना आ जाए, जिसके बाद वो चीन से बॉडीगार्ड रखने की बात करती है। वो बात कर ही रहे थे इतने में वहाँ ली आ जाता है और उसे कहता है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए पर मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। सोली कहती है, मुझे सब पता है और मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ। हमारा ब्रेकअप झूठ के कारण हुआ था क्योंकि मैं झूठ सुन सकती हूँ, लेकिन किम अलग है, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। ली भी ये सुनकर उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता। फिर हम दुकचन को देखते हैं जिसे सायन की वही सिंगिंग वाली वीडियो मिलती है, जिसे देखकर उसे थोड़ा गुस्सा आता है। जब वो इस बारे में उसको फोन करता है तो नोटिस करता है उसकी आवाज काफी अलग थी, और जब वो सायन से इस बारे में पूछता है तो उसे कल रात के इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। ये सुनकर वो काफी घबरा जाता है और फटाफट किम से मिलने जाता है और उसे समझा रहा था, तुम अकेले वहां क्यों चले गए, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। किम इसके लिए उससे माफी मांगता है और कहता है, मुझे लगता है अब मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात बाहर आई
तो कंपनी के लिए काफी बुरा हो सकता है, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। ये सुनकर दिलचंद थोड़ा शॉक होता है और कहता है, तुम अभी ये बात क्यों बोल रहे हो? लेकिन किम इस पर जोर देता है कि ये बर्डन मैं अकेले ही उठाना चाहता हूँ, और मैं यहाँ सोली के साथ रहकर उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वहीं हम सोली के कैफे में देखते हैं, जहाँ कैसेंडर को पता चलता है कि वो और किम डेट कर रहे हैं। सोली कहती है, हमने किस तो किया, पर उसने अभी तक मुझसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए नहीं पूछा। बाद में वो अपने अपार्टमेंट में दिवचंद से मिलती है। वो उससे पूछता है, क्या तुम किम पर भरोसा करती हो? तो वो हाँ कहती है, और उससे भी यही पूछती है, क्या तुम उस पर भरोसा करते हो? दिवचंद भी हाँ कहता है। सोली को एहसास होता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन जब वो किम के साथ रिलेशन में रहने के लिए उसे बधाई देता है तो उसे पता चल जाता है वो झूठ बोल रहा था। ये सुनकर वो थोड़ा शॉक हो जाती है। इतने में वहाँ किम भी आ जाता है, जिसके बाद सोली उसके रूम में चले जाती है। वो उसके लिए कुछ खाने के लिए भी लाई थी और उसे कहती है, तुम्हें पता है मैंने अभी दिवचंद से पूछा क्या वो तुम पर भरोसा करता है, तो उसने हाँ कहा। ये सुनकर किम काफी खुश होता है। वो फिर वहाँ इशारों में कहने लगती है, क्या एक किस के बाद कपल डेट करने लगते हैं? जिसे सुनकर किम समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है। वो अलग अलग चीजें देखकर उससे पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और लास्ट में जाकर वो उसे हाँ भी कह देती है। फिर हम यंग जो को देखते हैं, जो कि स्टोर में काम कर रहा था। तभी वहां पर ईथन आता है, जो कि उसका काफी अच्छा दोस्त था। वो भी एक सिंगर है और दिवचंद की कंपनी में ही काम करता था। इतने में ईथन वहां दिवचंद को नोटिस करता है और उससे पूछता है, ये मेरी कंपनी का सीईओ है, आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है? तो यंग जो मजाक में कहने लगता है, शायद वो किम से मिलने आया होगा, क्योंकि एक किम दोहा हमारे एरिया में भी रहता है। जिस पर ईथन भी मजाक में कहने लगता है, फिर तो मुझे भी उससे अपने लिए गाने लिखवाना चाहिए। उसके बाद हम बोरो को देखते हैं, जिसे उस इंसिडेंट के बाद से वहां का नेता चुना गया था। लेकिन वहां पर कुछ लोग थे जो इस बात से खुश नहीं थे, और वो आने वाले फेस्टिवल में हिस्सा लेने से मना कर देते हैं। अगले दिन हम किम को देखते हैं, जिसे सोली का मैसेज आता है और वो उसे कैफे में मिलने बुलाती है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, सोली उसे कुछ बॉडीगार्ड्स दिखाने लगती है और कहती है, मैं चाहती हूँ तुम इनमें से किसी एक को अपना बॉडीगार्ड चुन लो। सोली को उसकी काफी फिक्र हो रही थी, लेकिन किम मना कर देता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां बोरो आता है और उससे फेस्टिवल में पार्ट लेने के लिए कहता है, लेकिन सोली ये कहकर मना कर देती है कि मैंने आज तक इस फेस्टिवल में पार्ट नहीं लिया, इसलिए मैं अभी भी ये नहीं करना चाहती। जिसके बाद बोरो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो दोनों उसे कहते हैं, इसमें हमें किम के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए, इससे हम उस पर नजर भी रख पाएंगे और किम भी थोड़ा रिलैक्स फील करेगा। जिसे सुनकर वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम सोली की मॉम को देखते हैं, जो कि हाइकिंग के लिए आई थी और उन्होंने फिर से किसी को पैसे के लिए फंसा दिया था। तभी उन्हें वहाँ एक आदमी लकड़ी काटता हुआ दिखता है। जैसे ही वो गौर से उसे देखती है, वो चौंक जाती है कि ये तो मेरा एक्स हस्बैंड है। इतने में वहाँ वही रिपोर्टर लड़की आती है, जिसे देखकर उनके तो होश ही उड़ गए थे कि आखिर वो उस लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहा है। आगे हम यंग जे को देखते हैं, जो कि म्यूजिक फेस्टिवल के लिए कुछ गाने लेकर रहा था। इतने में वहाँ किम और सोली आ जाते हैं। तभी किम को उसका पेपर दिखता है, जिसे देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है और उसे कहता है, आजकल ज्यादातर लोग हाथों से गाना नहीं लिखते, क्या तुम म्यूजिक स्कूल जाते हो? जिस पर वो मना करता है कि मैं ये गाना फेस्टिवल के लिए तैयार कर रहा हूँ। घर पहुंचकर सोली उससे फेस्टिवल में मदद करने के लिए कहती है, जिस पर किम मना नहीं कर पाता और उसे हाँ कह देता है। इस बीच हम किम की मॉम को देखते हैं, जिसका टीवी पर इंटरव्यू चल रहा था, जहाँ पर उनका राइवल उनसे उनके बेटे के बारे में ही सवाल पूछ रहा था। जिस पर वो बताती है, कोर्ट ने मेरे बेटे को निर्दोष पाया है, वो सिर्फ एक सस्पेक्ट था, उस लड़की ने ही खुद ही सुसाइड किया था। और कहने लगती है, क्या इस केस की वजह से मैं अच्छी लीडर नहीं बन सकती? फिर अगले दिन हम देखते हैं, वो सभी फेस्टिवल के लिए सोचने लगते हैं कि हम वहाँ क्या करेंगे। सोली को ये देखकर काफी खुशी होती है,
कि किम भी इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा था। फाइनली फेस्टिवल वाला दिन भी आ जाता है जहाँ पर सभी लोगों ने अपने टेंट्स लगा रखे थे। वहाँ पहुँचकर सोली उसके लिए एक ड्रेस खरीदती है, जिसके बाद वो अपनी लोकेशन में चले जाते हैं। उनके पास कोई भी नहीं आ रहा था तो वो किम को कस्टमर बनने के लिए कहते हैं। किम को पहले अजीब लग रहा था पर वो सोली के लिए ये करने लगता है। जैसे ही वो ड्रिंक को पीने लगता है तभी वहाँ पर लड़कियों की भीड़ लग जाती है कि वो कितना हैंडसम है, हमें भी एक ड्रिंक चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि अभी भी किम के केस के बारे में ही ढूंढ रहा था, और हेचुन जाकर उस डिटेक्टिव से मिलता है जिसने किम का केस हैंडल किया था। आगे हम देखते हैं किम की मॉम सोली के कैफे आई थी, क्योंकि जब वो दिगजन से मिली थी तो उसने गलती से बता दिया था कि किम की वह गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उसी एरिया में रहना चाहता है, जिसके बाद ही उन्होंने यहाँ आने का फैसला किया था। लेकिन वो देखती है वहाँ एक बोर्ड लगा था, जिसके बाद वो भी उसी फेस्टिवल में पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर वो देखती है किम काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था और बिना मास्क के लोगों के बीच घूम रहा था। ये देखकर वो चुपचाप से वहाँ से वापस चली जाती है। बाद में सोली और किम भी वहाँ घूमने लगते हैं और एक दूसरे के लिए काफ़ी सारी चीज़ें खरीदते हैं। वो फिर एक स्टेज के पास आते हैं जहाँ पर यंग जे का सिंगिंग परफॉर्मेंस होने वाला था, लेकिन तभी उसे पता चलता है पियानो प्ले करने वाला उसका साथी नहीं आ पाएगा। ये देखकर किम उसकी मदद करने का फैसला करता है और कहता है तुम लोगों को थोड़ी देर बातों में उलझाओ, तब तक मैं इन नोट्स को समझता हूँ, जिस पर वो भी नेक की बात मानता है और वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। इतने में किम ने भी सारे पेपर से वो नोट समझ लिए थे। परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है, वो सभी उनका म्यूजिक काफ़ी पसंद कर रहे थे। वहीं पर हम दो लड़कियों को देखते हैं जिसने शायद किम को पहचान लिया था, जिसके बाद वो उसकी फ़ोटो लेने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम ली को देखते हैं जो कि डिटेक्टिव से किम की केस के बारे में ही पूछ रहा था, जहाँ पर डिटेक्टिव बताता है कि वो एक सुसाइडी था क्योंकि उस लड़की की फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी, और मैंने सुना वो हर बार अपने आप को चोट पहुंचाती थी, और जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे ब्रेकअप करने के लिए कहा तो उसने सुसाइड कर लिया। हमें भी उस लड़की के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए हमने केस बंद कर दिया था। वापस हम फेस्टिवल में देखते हैं जहाँ पर सिंगिंग का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। तभी वहाँ पर फर्स्ट प्राइज मिलता है यंग जे को, जिसे सुनकर वो तो काफ़ी खुशी हो गया था। वो दोनों भी उसके लिए काफ़ी खुश होने लगते हैं। उसके बाद किम उसे अपने साथ उसी शॉप में ले जाता है और उसे साइन की हुई फुटबॉल गिफ्ट करता है। वो उस लेडी से पूछता है क्या ये असली साइन है, तो वो लेडी हाँ कहती है, लेकिन सोली को पता चल जाता है वो झूठ बोल रही थी, पर वो इस बारे में किम को नहीं बताती। फिर वो वहाँ पर फायरवर्क्स देखने लगते हैं और एक दूसरे को क्यूट सी किस भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जंगल में कुछ लोग खुदाई कर रहे थे, तभी वो वहाँ पर किसी का कंकाल देखकर डर जाते हैं, और पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये कंकाल एम जी का है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में, अभी के लिए इतना ही।